कांति भाई रोज साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जो अपने वक्त में से पूरे पांडाल को गुंजायमान कर देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। श्रीमान आदिवासी कांति भाई रोज साहब। आदिवासी देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जी आजू बाजू फने जरा मां बेहजो भेजो भाई भेजो भाई। हमें 200 किलोमीटर सिटी हूँ आवेला कटला 200 किलोमीटर आखी रात ना भूख चा हमार मुद्रा मुद्रा दौड़ी भूख लागी है ने तमी एम ने तेम नासो ले ही नहीं समय भेजो जरा भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मुझरा के एक बात कहना चाहूं, मारे भाषा खबर पड़ा एक पता हिंदी वाले खबर पड़े पड़ी जाए। आज से 4 साल पहले मुकेश भाई ने कहा, 4 साल नहीं 5 साल पहले, कि कांति भाई यार भूला बेलोरिया में आना है। और जिस दिन हम बैठे थे यहाँ पे खाली 30 या 40 लोग, कतरा बना तभी थकी 40 और 40 लोगों ने ये भूला बेलोरिया का कार्यक्रम चालू आज किया। उससे पहले मुकेश भाई यहाँ 2-4 बैठते होंगे, लेकिन जब से आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश का जो गठन हुआ उसके बाद में ये कार्यक्रम 40 लोगों से आज कहाँ तक पहुँच गया। और सरकार की नींद भी उड़ेगी इस कार्यक्रम से। मैं आप लोगों को भूला बेलोरिया के बिल प्रदेश की टीम को आदिवासी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को इस कारवा को आगे बढ़ाया। और ये कार्यक्रम और ये कारवा अनवरत आगे रहना चाहिए। मैं आपको भूला बेलोरिया को और लिलोली बोली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे आदिवासी भाइयों को, यहाँ पे जो शिलालेख लिखा था और यहाँ पे हमारे दोनों पार्टियों के लोग हैं, हमारे जो हमारे इलाके में चुनाव लड़ती है, तो जब 2013 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब महेंद्र जी मालवीय जनजाति मिनिस्टर थे, उस समय 5 करोड़ का दिया था इसके ऊपर। वो कहा 5 करोड़ रुपया, कौन खा गया 5 करोड़ रुपये को बताया आप लोगों को? 5 करोड़ रुपया लिलुड़ी बल्ली में आदिवासियों के स्टेचू बनेंगे, बगीचा बनेगा, गार्डन बनेगा और आदिवासियों को सम्मान दिया जाएगा। तो 5 करोड़ रुपए का पैकेज इस इलाके को दिया था और 2013 में सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई, 14 में बन गई बीजेपी सरकार। 5 करोड़ का पैकेज डाल दिया खड्डे में और आदिवासियों को भी छोड़ दिया ऐसे ही आपके वोट लेके। और फिर 2018 में फिर कांग्रेस सरकार आई तो भी इस इलाके की सूद नहीं ली। और अभी कह रहे हैं भाई कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि आपने 5 करोड़ आदिवासी इलाके के इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए दिए थे, वो कहाँ है लाओ? ये आप लोगों को सवाल करना चाहिए। और जिस दिन ये यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का काम हो जाएगा, ये परकोटा बन रहा है, तो यहाँ पे आदिवासी महापुरुषों के फोटो लगेंगे, जो शहीद हुए उनके फोटो लगेंगे, देश के आदिवासी के फोटो लगेंगे। मैंने जरा की बता रहा हूं, आपने है तो लापित सोखा खावा आप जो बीजू कोई काम है आज नहीं अटे हफरे हफ्ते है तो बेड़वे ने मतलब माइक में टेम्पा मुंजू तो आप जो भाई बटे वहां आप जो बड़ा बेड़ावंगा लापित सोखा डाल खांगा इनके बीजू कोई काम है? ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि आज तक 100 साल पहले यहाँ पे हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए थे। थोड़ा सा आगे जाओ, ये आपका वड़ला है, वड़ले से आगे एक बावड़ी है, बावड़ी के पास में एक पत्थर है, उस पत्थर पे हमारे लोग इकट्ठा हुए थे आदिवासी लोग, जिसमें ग्रासा भी होंगे, भील भी होंगे, ये सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि भाई हम तो आपके ये भोग नहीं देंगे। हम खेती करते थे, हम जंगलों से कुछ भी लाते थे, उसके ऊपर जो लगान भोग लिया जाता था वो हमें नया लंगा
ने तमे आलवाना ही नहीं है। आज की हो साल पहले और 100 साल पहले आज के अखबार में 50 आदमी मारे गए ऐसा लिखा है। हो सकता है 50 आदमी को गोली लगी हो और 50 आदमी के पैरों में लगी हो, हाथ में लगी हो, और वो लोग महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मरे हो। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हजारों लोग मर गए ऐसा कहना। अखबार वाला भी झूठा हो सकता है तो हमारे लोग झूठ नहीं हो सकते। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप में वो खून है जो अंग्रेजों के साथ में लड़े, राजपूतों के सामने लड़े, और आज इस इलाके को, पिंडवाला इलाके को अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाका घोषित करवाने के लिए कोई भी आदमी घर से नहीं निकल रहा है। वो खून कहां खत्म हो गया आपका, जगह नहीं होगा ताकि यहाँ के पिंडवाला तहसील पे आपका कब्जा होगा। मात्र 1, 2, 4 जो पंचायत है उस पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। मुकेश भाई ने कहा था, हमने कहा था कि आप लोग लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ में हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं मुकेश भाई, यह जो जितना इलाका है पिंडवाड़ा वाला, सारे युवा और बुजुर्ग लोग तैयार हो जाओ, महिला तैयार हो जाओ, और पिंडवाड़ा जो तहसील है, SDM है, उसमें धावा बोल दो, पिंडवाड़ा का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करो, नहीं तो पिंडवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी की एंट्री बंद करो, ये आप लोग नारा लगा लो। और उससे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे जितना आदिवासी रह रहा है उतनी नौकरियां मिलेगी, आपके सरपंच बनेंगे, पिंडवाड़ा का प्रधान भी आपके होगा, जिसे ग्रासिया साहब बेटे वैसा पिंडवाड़ा का प्रधान आपका होगा। और आप तहसील में जाके कह सकते हैं पंचायत समिति में, ये प्रधान मारो आ काम कर, ये आपके पावर होगा, ये पावर आपको दिलाना चाहते हैं। तो क्या ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, नहीं लड़ रहे, लड़ने वाले की लड़ने वाले लड़ने वाले मैं तो लाख तो नहीं, अल्लाह तो सोखा खाई भूली जवाना आप तो लपसी और चावल भी खाने हैं, लड़ाई भी लड़नी है। मैं मंडला जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये जो आपका 1919 में, अच्छा 1922 में यहाँ पे गोलीबारी हुई और गोली चलाने वाले, शिकायत करने वाले कौन थे पता है? शिकायत करने वाले यहाँ के सामंतवादी राजा के, यार भील और ग्रासिया थोड़े से उत्तर भी हो गए, आप आओ और इनपे फायरिंग करो, गोलियां चलवाओ। वहां मीटिंग चल रही थी तो वो रात आपके जो अंग्रेज थे उनमें भी औकात नहीं थी आदिवासियों पे गोली चलाने की, तो हमारे ऊपर गोली किसने चलाई आपको पता है? 2-4 तो एक आधा अंग्रेज होगा, 2-4 राजपूत होंगे, और मेवाड़ भील कोर के हमारे ही लोगों ने हमारे ही लोगों को मारा है, मरवाया, हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों को मारा। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है, हमारे लोगों को हमारे लोगों द्वारा मरवाया जा रहा है। और वो लोग कौन है, मारने वाले कौन है, जो हमारे लोग नहीं है, या तो वर्ण संकर बीज है या फिर जो गुलाम है वो हमारे लोगों को मार रहा है। कैसे मार रहा है? अभी हम लोग किसी पार्टी फाल्टी की बात नहीं करते, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ जो जनजाति सुरक्षा मंच बना है उस सुरक्षा मंच में गैर आदिवासी सिस्टम डाल के और आदिवासी के विरोध में खड़ा कर दिया है। और वो ही आमने सामने लड़ाएंगे आने वाले समय में। एक दूसरा वनवासी है, एक दूसरा RSS है, ये सारे लोग मूल आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे, और हमारे लोग उनके साथ में नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय। तो भारत पिता कहां गायब हो गया? अरे 2:21 में तो डाउन में तो कई नाम डेटू था, डाय खबर पड़ेगी, परे खबर परे तो डायनी है, डाय 21 में डाउनी में तो नानो डेटू था, अपने दूध मले घी मले नहीं मले। इसलिए जो हमारे लोग उस संगठनों में है वो ही हम लोगों को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो हमारे लोग इस इलाके में डरे हुए हैं, मालिक होते हुए भी डरे हुए हैं, 1913 में मामगढ़ धाम पे 1500 आदिवासियों को मार दिया, और मारने वाले सामंतवादी राजा, अंग्रेजों का हुकुम, और हमारे ही लोग 1920 के अंदर
आज चितरिया गुजरात के पास में है, जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे है, वहाँ पे हजारों आदिवासियों को गोली से मार दिया और एक कुआ था, बावड़ी थी, उस बावड़ी में डाल दिया जो अधमरे थे और मरा कर रहे थे, मत मारो उनको भी डाल दिया। और 1922 में आपके इस इलाके में मारा, तो 7 साल 5 साल 2 साल के अंतराल में आदिवासियों को मारने का काम किया, जिससे हमारी कौम बहादुर होते हुए भी थोड़ी सी डरी हुई है। इसलिए हमारे शरीर में उन पुरखों का खून जाग गया और हम आपको जगाने आए हैं, और जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन आपके इस इलाके की काया पलट जाएगी। इसलिए हम आपको रोज जगाएंगे, हर रोज जगाने आएंगे। इसलिए कार्यक्रम करने नहीं आए हैं। और दूसरा, पास में ग्रासिया साहब, प्रताप साहब, ये जो आपका भील प्रदेश का नक्शा बनाया है, तो हमारे उधर भी कुछ लोग रहते हैं डामोर, जो अपने आप में भील नहीं मानते, डामोर लोग रहते हैं, और हमारे उधर भी कुछ ग्रासिया लोग रहते हैं जो अपने आप में भील नहीं मानते, और हमारे भील जो लोग हैं, भील कम्युनिटी के लोग हैं, जो किसी ने उनको मीरा बना दिया है, वो भी भील नहीं मानती। तो हम लोग ये भील प्रदेश की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम तो ग्रासिया हैं, नहीं हम तो डामोर हैं, नहीं हम तो ये हैं, हम तो भील प्रदेश की बात नहीं करते। मणिलाल जी ने पहले ही बता दिया, ये तो भील प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भील प्रदेश नहीं था, ये भील देश था, भील कंट्री थी, अंग्रेजों के दस्तावेज में लिखा हुआ है भील कंट्री, जो आपका भारत देश से, जो आपका आज की तारीख में पाकिस्तान है, वहां पे 15 से 16 लाख भील आदिवासी रहते, जो बाड़मेर और जोधपुर के लोग, आज भी शादियां होती थी, लेकिन 1971 लड़ाई के बाद में वो शादियां बंद हुई है। ये रहे बाड़मेर के लोग, बीकानेर के लोग, जोधपुर के लोग, आज उनकी बुआ वहां रहती है, मामा भी वहां रहते हैं, तो हमारा पूरा देश था। लेकिन देश आजाद होने के बाद देश का संविधान बना, और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से यूएन में भी बोला गया है कि जहां आदिवासी रहता है वो अपने इलाके का देश की लड़ाई लड़ सकता है, ये घोषित हुआ है, और यह आपका आर्टिकल भी लिखा है। इस आर्टिकल के तहत हम लोग आपके ऊपर से राजस्थान से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, राजस्थान प्रदेश से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश प्रदेश से मुक्ति मिलाना चाहते हैं, गुजरात से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, महाराष्ट्र से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, और इस इलाके को एक आदिवासी देश, आदिवासी प्रदेश बनाना चाहते हैं, भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ भाई, प्रदेश बनने वाला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, वहां मन के ताफी बैठे ही ए भाई कार्यकर्ता, लिलुड़ी बोली वाले सारे इधर कार्यकर्ता लोगों को भेजे भेजे, ए भाई आप आड़े मत आओ, इन दोनों के आड़े मत आओ, पिल्ले के बैठ जाओ, भेजो बस लाफिंग सुकान डालने हंगलो है, भेजो बराबर सुखा का साय, जरा बैठ जाओ, पानी पानी लग पानी। तो मैं बात बात करो हो भील प्रदेश ने, और हमारा जिस दिन भील प्रदेश बन जाएगा, ये भील प्रदेश हमारे जीते जिंदा जी रहते हुए बन जाना चाहिए। माइक चेंज करो, ये भील प्रदेश हमारे जिंदा रहते हुए बन जाए तो हम चाहते हैं, जिस दिन हमारा भील प्रदेश बन जाता है उसमें रहने वाले, चाहे ग्रासिया हो, चाहे डामोर हो, चाहे तरवी हो, चाहे पटेलिया हो, चाहे बारेला हो, ये सारे लोग मिलके हम लोग भील प्रदेश का सीएम बनाएंगे, वो आदिवासी होगा, और आदिवासी सीएम होगा तो आपका पिनवाड़ा इलाका है, वो पिनवाड़ा इलाके में किसको नौकरी देनी है, कौन सी नगर पालिका हटानी है, कौन सा आबू पर्वत वाला हटाना है, ये सारा डिसीजन आपके हाथ में होगा। यही लड़ाई हमारे बाप दादा भुलावालोरिया में 100 साल पहले लड़के मरे हैं,
बड़ा शर्म की बात है। मणिलाल जी बताया, मैं थोड़ा बता दूं कि जो बाबू पर्वत में जो हमारे अनादि काल से हजारों साल से वीर लोग लेते हैं, वो आज की तारीख में 3000 है। उनको मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। और जो उदयपुर से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, बड़े बड़े होटलें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी होटलें, और एक बिल 5 किलो का सीमेंट भी ला ले जाना है तो उसके ऊपर 5000 दंड लिया जा रहा है। 5000 दंड 5 किलो सीमेंट ले जाए है, इन्हें थोड़ा सो गेर फाटी क्यों है लिपना हारू, वहां गार से भी नहीं बनाने दे रहे, गारे से भी नहीं, मिट्टी से भी नहीं। यह हालत हमारे आबू पर्वत पर बिलों की कर दी है। और उसमें अकेले बिल नहीं है ग्रासिया जी, कुछ परिवार ग्रासिया के भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो हालत आबू पर्वत पे कर दी है, कहीं आपके इलाके में नहीं कर दे ये लोग, क्योंकि ये सिंगल एरिया अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। जब अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस दिन पीड़वाड़ा पूरी तेज आपकी पंचायत समिति अनुसूचित क्षेत्र हो जाएगी, उस दिन आपके अधिकार पूरे आपको मिल सकते हैं। ये लड़ाई आपको लड़नी है। तो हमारा ये भील प्रदेश का सपना यहां तक का नहीं है, ये हमारा कारवा, हमारी लड़ाई भीलवाड़ा तक की नहीं है। ये लड़ाई यहां से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक, जिस इलाके में ग्रासिया जी को भी वापिस कहना चाह रहा हूं मैं, जिस इलाके में यहाँ के एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज ने यहाँ की बोली भाषा को समझा, सुना, चाहे ग्रासिया हो चाहे डामोर हो, 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में भीली भाषा का, भीली बोली का एनालिसिस किया था और उसमें लिखा था या उदयपुर यानी सिरोही वाला इलाका से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके बॉम्बे तक जो बोली बोली जाती है वो भीली या भिलोड़ी है। और आज आपके इलाके को मेवाड़ी मारवाड़ी में बांट दिया, हमारे इलाके को बागड़ी में बांट दिया, उस इलाके को गुजरात वालों को गुजराती में बांट दिया, मध्य प्रदेश वालों को निमाड़ी और मालवी में बांट दिया, महाराष्ट्र वालों को मराठी में बांट दिया। आज भीलों की पहचान खत्म हो गई है, वो पहचान आदिवासी परिवार उभर कर आपके लिए आया है और वो पहचान पुनर्जीवित करना चाह रहा है। इस पहचान में आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाइए और हम लोग आपको सारे अधिकार दिलाने के लिए तत्पर है, सारे अधिकार दिलाने के लिए। उसके लिए हमें लड़ना पड़े, मरेंगे नहीं, अब मरेंगे नहीं, हो अब मरने वाले नहीं। और आप ये मत कहना कि भंवर भाई आगे बढ़ो, कंदी भाई आगे बढ़ो, राम प्रसाद जी आगे बढ़ो ना, मुकेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। पीछे रहने वाली बात मत करना, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। मोरे वाघ आवे सितरो आवे तो अपने हंगलन खाएगा, न वायला जी पीछे वाला ना ही जी पहले वाइस नहीं जी, तो हमको साथ में रहना है। बात तो लंबी करनी थी लेकिन समय भी पूरा अभी कम ही है, तो इतना कम भी नहीं है, मेरे को 40 मिनट दिया है लेकिन समय पूरा हो गया, मेरी दवाई चल रही है, कुछ चक्कर आने की संभावना थी लेकिन माइक पकड़ते ही थोड़ा कम हुए। तो जितनी महिला आज आई है और आपके इलाके में, मुकेश भाई आपके इलाके में बच्चियों का एजुकेशन थोड़ा कम है, ते का भाई आपने सूरी बनावोगा तो बेंजी बने ही, नर्स बने ही, कलेक्टर बने ही, कंपाउंडर बने ही, डॉक्टर बने ही, पुलिस वाली बने ही, ने ने बनावो तो स्वरूपगंज शिवगंज में जाए थामड़ माजी थामड़स कहीं कटे हो गए खोबरा ठोबरा माजे ठोबरा माजे ठोबरा बेटा हन्नो बड़ा नहीं साथ खाए, ये नहीं खाना है। और हमारे आदिवासी महिला आज की तारीख में, अरे यार हम लोग गोंद खाया करते थे, जड़ी बूटी खाया करते थे और 10-10 बच्चे पैदा करते थे, 10-10 सुरा, 5 सुरी ने 5 सुरा। मेरे बाप ने, मेरे पिताजी
ने चार आठ बच्चे पैदा किए, चार भाई ने चार सूर्या में, आज कोई पैदा कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता क्या आदमी लोग हैं वो दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, और महिला भी कम थोड़ी है। आज यहां पे बहुत सारी महिला बैठी है जिनके मुंह में विमल है। अभी मेरे को सूचना मिली कर महक आ रही है, मुड़ा मैं गुड़ को खा दो है भैया, नाम 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 बिल्कुल ऊँटो पालो खाते हुए हम यार, और इससे हमारे आने वाली संतानें खराब होगी। राजेश भाई ने भी मेरे को आके बोला कि महिला बहुत महक खा रही है, महक आ रही है मुंह से। मैंने कहा काय की आ रही है, दारू की आ रही है क्या? ना ना गुटके की आ रही है। तो ऐसा मत करो, मेरे दिशा से भटक गया, ये कहने का नहीं था, लेकिन हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग ये नशा थोड़ा कम कर देवे। नशा कम करेंगे तो डिलीवरी होगी, उस समय बच्चा कम से कम 3 किलो का पैदा होगा, 4 किलो का पैदा होगा। ने जी गुटको खाए ने ससु ओनरा आटलो नकड़ो सोरो नकड़ा नानो करो ओनरो दिखो नानो करो आटलो ओनरो या उधरू उधरू उधरो भाई ओनरा आटलो। तो ये थोड़ी सी बात उल्टी सीधी हो गई, मैं मूल मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये जो हमारा बिल प्रदेश का डिमांड है, उस बिल प्रदेश की डिमांड में आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए, और ये जो इलाका है वो इलाका 5वीं अनुसूची में होगा, तो आपके सरपंच होंगे, आपके वार्ड पंच होंगे, और आज की तारीख में ये इलाका 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं है। तो ये लड़ाई आप लोगों को लड़नी है, साथ सपोर्ट हम देंगे। और दूसरी बात, अभी जगदीश भाई आए थे और दो साथी और आए थे, उन्होंने मेरे को एक बात और याद दिलाई थी कि कुछ समय पहले सबसे पहले आपके कोटड़ा का एक आदमी खड़ा किया था यहाँ पे बोलने के लिए, डैम बनाने का, कोटड़ा में डैम बनेगा और वहां पे 9 पंचायत के आदिवासी और एक पंचायत में 2 गांव या 3 गांव, 9 × 2 = 18, 1 × 9 = 18, 3 × 27, 27 गांव के आदिवासी को विस्थापित किया जाएगा, और वो पानी जाएगा जालौर के गैर आदिवासी के खेतों में, वो पानी जाएगा जोधपुर के गैर आदिवासी के खेतों में, वो पानी जाएगा दूसरे सारे लोगों को खेतों में, और वहां जालौर में बिल रहे ले उनको घंटा भी नहीं मिलेगा, यहाँ जोधपुर के लोग आए हैं उनको घंटा भी नहीं मिलेगा, बाड़मेर के लोगों को नहीं मिलेगा, वहां के गैर आदिवासी को पानी मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में डैम नहीं बने, हमें इतना बड़ा डैम की जरूरत नहीं है जिसमें 27 गांव के लोग विस्थापित हो। और ये भाई आप जो मंच पे बोल रहे थे कि हम लोग विस्थापित होने के लिए तैयार है, नहीं, हम लोग आपको भगाने के लिए तैयार है, ये बोलना चाहिए आप लोगों को। विस्थापित नहीं, हम लोग अब विस्थापित होना हमने नहीं सीखा है, अब कभी अपने जुबान पे विस्थापित बात नहीं आनी चाहिए। कोटड़ा के जो भी साथी आए हैं आप लोग कमर कस लो, हम लोग आने के लिए है, लेकिन नेतृत्व प्योर आदिवासी के हाथ में रहना चाहिए। मैंने जगदीश भाई को भी बोला था वहाँ पे आप लोग तैयारी करो, लेकिन बाद में पता लगा कि वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के लोग आ गए और रात में उनको उठा दिया। यहाँ हमारे कुछ साथी हो सकते हैं पार्टी के विचारधारा से, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम लोग पार्टी की बात नहीं करेंगे। पार्टी ने हमारे साथ में गंदा काम किया है तो उन नालंदों को गाली देंगे हम लोग, तो किस पार्टी का हो भाई, तारे आप बोलते बन किन खाई जाए। तो कांग्रेस बीजेपी वालों ने हमारे आदमियों को उठा दिया, कह दिया हम लोग वो करेंगे, हमने कहा था कोटला के अंदर हम लोग घेराव करेंगे, एसडीएम को घेरेंगे, बाहर से आपका मीडिया आएगा और आपकी बात को आगे तक ले जाए, और अभी इस बात को हमारे राम प्रसाद जी तक पहुंचा दिया जाएगा और वो लोग विधानसभा में इस चीज को उठाएंगे। अगर मान लीजिए छोटा सा भी डैम बनता है तो कोटला से पानी आपके गुला वालोरिया में आता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को डुबा के नहीं आना चाहिए। हम लोग सारे जनजागरण शिविर में बोलते हैं, मैं एक बार और यहां बोलना चाहूंगा, हॉस्पिटल बनाना है तो किने जगह ली भाई, बिल ने ली कि राजपूत ने? आपके यहाँ हॉस्पिटल बनाना है तो आदिवासी की जमीन, स्कूल बनाना है तो आदिवासी की जमीन, रोड बनाना है तो आदिवासी की जमीन,
डैम बनाना है तो आदिवासी की जमीन और ये तो सरकार लेती है और सारी सुविधाएं वो ले जाते हैं, लेकिन आदिवासी भी इतने पागल हो गए हैं, मंदिर बनाना है तो आदिवासी की जमीन और घंटा बजाना है तो आदिवासी दबाएगा आंगलों पर वहां रुपया, पैसा लेना है मंदिर से तो ब्राह्मण और पंडित ले जाएगा, तो मंदिर का है को बनाना अपनी जमीन में होकर मंदिर बनावो। अगर बनाना ही है तो आप लोग मिल जाओ, वहां पे दो चार कमरे बना दो और हमारा प्राइवेट स्कूल या आदिवासी स्कूल या आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र खोल दो और जिसमें हमारे प्रधान साहब जैसे और कांग्रेस के जो भी हमारे आदमी बैठे हैं उनके जैसे और आप लोग सारे चंदा देंगे तो वहां पे मुकेश भाई जैसे कर्मचारी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे और वो पढ़ाई होगी पटवारी की होगी, वो पढ़ाई पुलिस वाले की होगी और हमारे तो बस नौकरी लगेंगे नहीं लगेंगे। और मंदिर में जाके होंगड़ा पड़ी ना आवेगा तो कोई मिलेगा नहीं, जाओ कोई मिलने वाला नहीं है। फिर भी आप लोगों को जितना समझ में आया उतना काफी है, ज्यादा बताएंगे मैं लागे है मारे बात कम हमड़े है ना, पर तावड़ा वाली नजर बदार है लापे वाले पोंगड़े है बढ़िया कारे मड़े ओंदरा में ओंदरा दौड़े। तो अभी तो हमारे भवर भाई बोलने बाकी है, अपने हगवाड़ा वाला एमएलए साहब बोलने बाकी है, कुछ समय में प्रतापगढ़ से मांगीलाल ननमा भी आने वाले हैं, वो इतने दूर दूर से आ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को आराम से बैठना है, शाम को बढ़िया लाभ खाई नहीं बना घर पे नहीं बनाना है, यहाँ पे धाप के खा के जाना है और याद करना है कि 100 साल पहले इसी जमीन पे इसी जगह पे अंग्रेजों द्वारा राजपूतों द्वारा हमारे आदिवासी पुरखों की गोली लगी थी, उसका बदला अब हम लोग लेंगे। हम नहीं लेंगे तो हमारे पेट से पैदा होने वाला भील की औलाद गणेशिया की औलाद बदला लेगी, ये आपको प्रण लेके जाना है। 100 साल के अंतराल 100 साल पूरे हुए और वो लड़ाई मणिलाल जी गरासिया ने पहले बोल दिया है, वो लड़ाई बंदूक की नहीं होगी, वो लड़ाई हथियारों की लड़ाई होगी, वो लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीके से हमारे अधिकारों को प्राप्त करने की होगी। तो क्या आप लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हो? देखा हाथ उठा करो, महिला तक खबर नहीं पड़ता है, सब खबर पड़ रही हो क्या? अपने घर में 16 आवा पैदा करवा है, अपने घर में 16 आवा पैदा करवा है, ई बी सी आर वीजा आवे के अन्न पाड़ीना के ठाल, आप डरने वाले बच्चे पैदा नहीं करते। और दूसरा है किसी इलाके में तो भाई आपके राइडर फाइटर ग्रुप चल रहे हैं क्या इस इलाके में? नहीं। हाँ ये राइडर फाइटर हमारे उधर चल रहे हैं, आपके इलाके में चलने मत देना। अब जब दूसरी संवैधानिक बातें बहुत सारी थी, एक बात के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, ये जो आपका 5वीं अनुसूची का इलाका है या हो नहीं हो आपके जो आर्टिकल 13(3) का में जो आपका पावर है कस्टमरी कानून है, उस कानून के तहत पुलिस वाले आपके ऊपर सीधा मुकदमा करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब पाटा हुआ करता था यहाँ पे पाले हुआ करती थी, उस समय पुलिस वाले आते थे और गांव के गमेती मुखी पटेल को पूछा करते थे कि भाई इस आदमी ने चोरी की है, इस आदमी ने डाका डाला है, तो मैं इस फड़िए में जा रहा हूँ, इस फड़े में जा रहा हूँ, तो मुझे परमिशन दो। तो गांव का गमेती पटेल कहता था रुक जा भाई, गांव के बाहर बैठ जा, गांव में जाएंगे तो गांव वाले मारेंगे। तो वहां पटेल पूछ के आता था और कहता भाई के बात करके कि नहीं वो आदमी ही नहीं है, फिर भाई वैसे भी मुकदमा नहीं होता था। और आज की तारीख में कुछ होता है तो गांव के सरपंच को भी नहीं पूछते, गांव के मेंबर को भी नहीं पूछते, पटेल और मुखी तो गया चूल्हे में, उसको कोई पूछता ही नहीं आज की तारीख में, पुलिस वाला सीधा आता है लेके चला जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता रहता है। उसके बाद में कुछ लड़ाई हमारे घरेलू भी होती है, 5 भाई इधर से लड़ाई हो गई, गांव का गमेती उसको सही करने वाला था लेकिन दलालों ने कहा मुकदमा कर दे, उसने भी मुकदमा कर दिया और मुकदमे में 5 साल आपका पुलिस वाले खा जाते हैं और 5 साल वकील भी लूट के खाते हैं और मजिस्ट्रेट बोलता है लास्ट में कि आदिवासियों के बारे में हम कोई फैसला नहीं दे सकते, आपकी जो जाति समाज की पंचायत है उसमें फैसला लिखवा के आ जाओ तो ये मान्य हो जाएगी। ये बात हमारे गड्ढे गमेती में खत्म हो गई है, उसको पुनर्जीवित करनी है, जिसको हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं,
पंचायत की ग्राम सभा नहीं, हमारी परंपरागत ग्राम सभा। आप लोग आराम से बैठिए, सुनिए, अभी दो चार हमारे वक्ता और बाकी हैं। मैं थोड़ा और ज्यादा बोल सकता था लेकिन चक्कर जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हेलो हेलो, खूब खूब जोहार आदिवासी रोहित कांति भाई को, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण यहाँ पर प्रस्तुत किया। उसके पश्चात में यहाँ पर अभी हमारे विशेष वक्ता हैं श्रीमान एमएलए साहब एवं माननीय भवनलाल जी परमार साहब, जो बहुत ही हमारे एक प्रकार से वैचारिक गुरु हैं, जिन्होंने पूरे अपने इस आदिवासी बेल्ट पर अन्य राज्यों में जहां पर भी आदिवासी रहते हैं उनको जगाने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं खुद भी इनसे पहली बार जब इनका भाषण सुना था उस समय से प्रेरित हुआ था और आज भी मैं इनको मानता हूं। और वास्तव में इनकी जो शैली है, इनका जो बोलने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है और इनके पास जो तथ्य हैं वो बहुत ही मतलब बढ़िया, हर जानकारी इनके पास मौजूद है। तो आप सुनिए, बैठिए और धैर्य रखिए, एकदम से उठकर कोई नहीं जाए, सुनने का मादा रखें। आप सुनने आए हैं तो इन वक्ताओं को जरूर सुने। तो मैं अगली कड़ी में सागवाड़ा विधायक श्रीमान रामप्रसाद जी डिंडोर साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वो अपने शब्दों से अपने इन आदिवासी भाइयों बहनों माताओं वडिलों को लाभान्वित करें। श्रीमान रामप्रसाद जी डिंडोर साहब। एक अपने जो कार्यकर्ता है वो सभी एक बार इधर, सभी एक बार आगे चले जाए भाई साहब, कार्यकर्ता सभी आगे, ये ध्यान रखो कोई भी उठ के नहीं जाए, एक बार बिठाओ, सभी को समझाओ, ठीक है ना। कार्यकर्ता पूरे मतलब चारों तरफ लगे हुए होने चाहिए। ओहो, जय हो, जय हो, जय हो, बोलो साहब। हाँ, देव बताओ, देव, 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 जय हो, जय हो। तो सभी कार्यकर्ता एक बार इधर भी ध्यान, ये कार्यकर्ता लोग अपने आदिवासी विकास सेवा समिति वाले भी सभी ध्यान दे, सभी